जमहूरियत तो नहीं चलती ऐसे। जमहूरियत तो अब चोर इकट्ठे हो जाए और कहे जी हमारी चोरी छोड़ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, तो ये तो जमहूरियत नहीं चलती। और इसलिए वो ठीक कह रहे हैं, पार्लियामेंट पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की डिबेट और गुफ्तगू होना चाहिए था, जो कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। मेरा नाम मियां असलम है, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं एक्सप्रेस टेलीविजन से हूं। मैं कुछ नाम आपके सामने दूंगा और उन नामों पे मेरा सवाल बेस करेगा। फेरिस्ते शहजाद अकबर, मुराद सईद, डॉक्टर शहबाज गिल, ये ऐसे नाम है जो फ्रंट लाइन पर डिफेंड भी आपको करते हैं और अपोजिशन का भी बड़ी तनकीद का निशाना बनते हैं, कोर्ट में भी इनके हर दूसरे दिन पेशियां करते हैं। दूसरी तरफ इन्हें पार्टी के अंदर भी कुछ हमलों का सामना रहता है, मुखालफत होती है। सेम जैसे उस्मान बुज़दार साहब को आप लेके आए हैं, कोविड में इन्होंने जिस तरह काम किया, दूसरे इन्होंने काम किए, वो पता चलता है कि हर तीसरे माह जो है वो कोई 8-10 लोग जो है वो चीफ मिनिस्टर बनने के जो है वो चक्कर में है। तो आप इस मेस में कि अपने लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? अपोजिशन और खास तौर पर इनके जो बड़े बड़े नाम और डाकू, जब ये तनकीद किसी की करते हैं तो वो उसका एजाज होता है। ये जब मुझे तनकीद करते हैं ना ये सारे हर रोज शाम को बड़े बड़े डाकू बैठ के, तो मैं समझता हूं कि मैं कुछ तो काम अच्छा कर रहा हूं मुल्क। अगर ये मेरी तारीफ करें तो मैं अपनी तोहीन समझूं, क्योंकि ये इन्होंने 30 साल से 35 साल से इस मुल्क का खून चूसा हुआ है। तो अगर वो हमारे लोगों की तनकीद करते हैं, फिरदौस की, इसकी शहबाज की और मुराद सईद की, तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ा एजाज है। इसका मतलब ये जहाद कर रहे हैं इन चोरों के खिलाफ। और जहां तक अंदर है, बदकिस्मती से ये तो होता ही है पॉलिटिक्स में, अंदर एक पार्टी के अंदर भी कंपटीशन चलती है, क्योंकि ये कोई रेजिमेंटेशन तो नहीं होती है, कोई एक डिक्टेटरशिप तो नहीं है, तो इसमें तो ये चलता रहता है, इसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। पीएम साहब, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद चौधरी है और मेरा ताल्लुक 92 न्यूज लाहौर से है। पीएम साहब, कहते हैं कि जमाने भर के जो मोतबर हैं वो खुद लरजते हैं आईनों से, कोई तो इनका हिजाब पलटे, मैं इनका रोजे हिसाब देखूं। आपने इनके हिजाब पलटे हैं, जो कब्जा माफिया था, जो सियासी माफिया था, इतनी उनके ऊपर आपने हाथ डाला। पहले साल हजारों एकड़ आपने और सीएम साहब ने जबरदस्त कब्जा माफिया कोलैबोरेशन किया और जबरदस्त एक्शन लिया, फिर बीच में कुछ खामोशी आ गई। अब आपने फिर से कब्जा माफिया के ऊपर बड़ा जबरदस्त हाथ डाला है, लाहौर में खोखर पैलेस हो, दीगर कब्जा माफिया हो, बहुत जबरदस्त ऑपरेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में दोबारा से फिर से ये कब्जा माफिया जो है चंद माह के बाद दोबारा से फिर एक्टिव हो जाए? इस हवाले से क्या इकदाम करें? पाकिस्तान में जो कब्जा माफिया फैलते गए हैं, बढ़ते गए हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये कब्जा माफिया के पीछे सियासी रहनुमा, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बल्कि पॉलिटिशियंस खुद कब्जा माफिया का हिस्सा बन चुके हैं, वो खुद जमीनें कब्जा करते हैं। और ये कब्जा माफिया चल सकता ही नहीं है जब तक इनकी पुश्त के ऊपर गवर्नमेंट ना खड़ी हो। खोखर पैलेस गिराया गया और मरियम नवाज वहां पहुंच के खड़ी होकर उन्होंने बड़ी उसकी हौसला अफजाई की, एक 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 कब्जे कब्जा माफिया की। इससे क्या चीज सामने आती है? इससे नंबर वन चीज तो यह सामने आती है कि इस ये जो इसने मरियम से सवाल पूछना चाहिए था कि पहले ये तो चेक कर लें कि जो इसने जमीन इसकी छुड़वाई गई है, क्या इसकी वाकई अपनी थी या इसने गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ था, क्योंकि वो तो सब कुछ कागजात में है, रजिस्ट्री, लैंड रजिस्ट्री के अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि इसकी जमीन ही नहीं थी जो पकड़ी हुई है। 125 अरब रुपए की जमीन, यानी 130 करोड़ रुपए की जमीन के ऊपर इसने कब्जा किया हुआ था। और वो मुल्क की जो अपने आप को फ्यूचर लीडर कहती है और एक करप्ट आदमी जो कि मुल्क से फरार हुआ हुआ पैसे चोरी करके, उसकी बेटी उसकी हिमायत कर रही है जिसने 125 अरब रुपए की गवर्नमेंट जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था। इससे क्या साबित होता है कि पहले तो ये सारा जो कब्जा हुआ था वो इनकी गवर्नमेंट के दौरान हुआ था और इन्होंने इसको पूरी प्रोटेक्शन दी इस कब्जा माफिया को। और फिर इस कब्जा माफिया से जो अगला सवाल है कि वो जो इनकी खिदमत करता था वो भी पता चले कि कैसे क्या खिदमत करता था। इसका मतलब कि ये पहले कब्जा ग्रुप की पुश्त पे खड़े होते हैं, फिर उससे फायदे उठाते हैं। अब अगर तीसरी चीज ये कि अगर गवर्नमेंट यानी मुल्क के का प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो कब्जा ग्रुप के साथ, तो फिर इंतजामिया क्या क्या कसूर है? वो फिर क्यों ना अपने कब्जा ग्रुप पाले, फिर पुलिस क्यों ना अपने
अपने कब्जा ग्रुप के साथ कनेक्शन रखे और पैसा बनाए, जबकि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना रहा है। तो ये जो कब्जा ग्रुपों ने मुल्क में तबाही मचाई हुई है, शहरों में सबसे ज्यादा बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी जो इनकी जमीनों पर कब्जे हो जाते हैं, वो बेचारे मेहनत कश जाके कमाई करके जमीन खरीदते हैं, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। ये इसलिए होता है कि पीछे इनके ये बड़े बड़े डाकू जो पॉलिटिशियंस ये खड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह पॉलिटिशियंस के पीछे भी इन किसी बड़े बड़े डाकुओं को हमने नहीं छोड़ना, कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, और इनके जो नीचे बैठे हुए कब्जा ग्रुप इनको भी हमने किसी को नहीं छोड़ना। स्टेडियम बनी आपकी हुकूमत के खिलाफ, 11 जमातों ने स्टेडियम बनाई, मौलाना फजलुर रहमान को उसका सरबराह बनाया, इस्तीफों से बात होती हुई अब फॉर्मी फंडिंग तक पहुंच चुकी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग से नाला होकर मौलाना फजलुर रहमान ने यह स्टेटमेंट दिया है कि अगर फैसले मरियम और बिलावल ने करने हैं तो वो स्टेडियम के सरबराह क्यों हैं। उसके बाद साथ ही आपने उनके ऊपर फॉर्म फंडिंग और कुछ गैर मुल्की ममालिक से इमदाद के हवाले से फंडिंग के हवाले से भी केस इलेक्शन कमीशन में डाल दिया। आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान अब स्टेडियम के सरबरा रहेंगे, क्या देख रहे हैं कि वो फॉरेन फंडिंग का सामना करेंगे या आपकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे? फॉरेन फंडिंग का एक ऐसा हुआ कि इन्होंने तहरीक इंसाफ को फंसाते फंसाते सारे खुद फंस गए। जितना भी आप फॉरेन यानी फॉरेन फंडिंग, क्या आप जो अकाउंट्स हैं पोलिटिकल पार्टीज के, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने ये उठा दिया है। अब हम चाहेंगे कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे, सारी पार्टीज की फंडिंग की पूरी स्क्रूटनी की जाए इलेक्शन कमीशन, और जब ये स्क्रूटनी करेंगे, मैं आज आपके सामने पेशन गोई करता हूं कि एक पार्टी के सबसे बेहतरीन अकाउंट्स मिलेंगे, उस पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, जिसने बाकायदा पोलिटिकल फंड रेजिंग किया है, जिसने जिन डोनर्स ने पैसे दिए हैं उनके पूरी उनके पता है एड्रेस, 40,000 हमारे पास डोनर्स के नाम है, कोई भी उनको कांटेक्ट करके पूछ सकता है कि वो उन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए। मैं चैलेंज करता हूं कि ये 1,000 नाम दे दें, कोई भी इन पार्टी में से 1,000 क्या 100 नाम दे दें जिन्होंने इनको ऑफिशियली पैसे दिए। जैसे ही आप पता चलाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इन पार्टीज ने पैसे कैसे इकट्ठे किए हैं। आपको यह भी पता चल जाएगा कि अगर फॉरेन फंडिंग हुई है तो किस किस पार्टी की हुई है, वो भी पता चल जाएगा। उसामा बिन लादेन ने किसको पैसे दिए, वो खालिद ख्वाजा की पूरी स्टेटमेंट है, उसने पब्लिकली उसकी बीवी ने स्टेटमेंट दी हुई है। ये जो मौलाना फजल रहमान को किधर से कौन से मुल्क से पैसे, ये भी पता चल जाएगा सब कुछ। नवाज शरीफ ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है अपनी अपनी नून लीग के जो वो पार्टी फंड्स के जरिए, वो भी सामने आ जाएगा। मैं तो बड़ा खुश हूं और मैं चाहता हूं, और सबसे बड़ा जो इस वक्त मौलाना फजल रहमान है, इसको मौलाना कहते हुए दीनी मौलाना आलिम की तोहीन है। ये करप्ट आदमी है जो सिर्फ दीन को इस्तेमाल करता है और मदरसे के बेचारे वो तालिब इल्मों को इस्तेमाल करता है ब्लैकमेल करने के लिए और पैसा बनाने के लिए। ये बताया कि इसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आई किधर से हैं? लोग मेहनत करते हैं, कोई बिजनेस करता है, ये बैठे बैठे ही अरबोपति है इसके तो, और फ्रंटमैन के जरिए इसके पैसे, बेनामी इसकी जो जमीनें हैं किधर से आई हैं? क्योंकि ये सारी हुकूमतों में बैठा रहता है, सबके साथ मिलके, कोई इसको हाथ नहीं लगाता क्योंकि ये फतवा लगा देता सब पे, सारे इसको डर के इससे कोई पूछता नहीं है और ये पैसे बनाता रहता है। और ये स्टेटमेंट दे रहा है, जी नैब कौन होती है मुझे बुलाने वाली, क्या ये कानून से ऊपर है? ये जो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर, जो आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूं, ये तारीखी जंग चल रही है, कानून की बालादस्ती की जंग चल रही है। ये जो चोर हैं जो कहते हैं हम पाकिस्तान के कानून के नीचे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करता नवाज शरीफ, वो कहता मैं मानता ही नहीं, क्यों निकाला? जो इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर जब अगर इनके अगेंस्ट फैसला फंडिंग में आएगा, ये कहेंगे वो नहीं हम मानते। इनके ऊपर जब नैब कोई कुछ कहती है, वो नैब को नहीं मानते। तो मानते किसको हैं? उसको मानते हैं जो इनके हक में फैसला करे, बस। और ये और हक में फैसला करवाते कैसे हैं? जिस तरह इन्होंने वो ब्रीफ केस पहुंचाए थे, वो रफीक ताडर ने जाके जजेस खरीदने के लिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था डंडे लेके, ये वो लोग हैं, ये माफिया है। और ये जो अब तारीखी जंग है, इंशाल्लाह ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती आएगी
ये बड़े बड़े डाकुओं को हमेशा के लिए, ये जंग है, इनका असल ठिकाना जेल में है और जब तक ये पैसे वापस नहीं करेंगे इंशाल्लाह जेल में रहेंगे। कामयाब किसान प्रोग्राम के हवाले से ये बड़ा जबरदस्त अच्छा इनिशिएटिव है। एट द सेम टाइमिंग जब सरहद पार दिल्ली में किसानों के साथ इतना जुल्म ज्यादती हो रही है, मोदी रिजीम में बहुत कुछ हमने देखा है और यहाँ पर सब कुछ उल्टा है। किसान आपकी तरफ देख भी रहे हैं, एग्रीकल्चर पैकेज कब तक आएगा और मजीद किसानों के लिए क्या होने जा रहा है? हमारी पूरी कोशिश है कि अब हम एक पूरी एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आए जो अगले 5 साल 10 साल तक जाए, जो कि हमारा पूरा चेंज कर दे एग्रीकल्चर जो सेक्टर सारा, इसका एक पूरा एक बड़ा पैकेज आ रहा है जो हमने अपने पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा खड़ा करना है।